हेलो स्टूडेंट, एज यू नो वी हैड स्टार्टेड चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर। वी हैड कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 12। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर था, हर एक क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट था। चलिए आज बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। देखिए 75 meter की building है, angle of depression की, that means यहाँ ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है? तो two ships है, यहां पे एक सीप ले लेते हैं, सीप ए इसका कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने का बनेगा 30 डिग्री। एंड अनदर सीप उसका बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है? तो यहां पे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहां पे बी नेम दे दो सी एंड ये दो सिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे कि एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है और वो छात्र यहाँ पे पहुंचता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना था। और यहां पे क्या है सिप के बीच का डिस्टेंस, दैट मींस एवी वी हैव टू फाइंड। तो ये तो बहुत ही इजी है। अगर हम ये लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करें ए बी एंड सी, तो पूरे ए सी में से अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर ले, पूरे ए सी में से अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें मिलेगा क्या ए बी, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है जब भी दो ट्राइंगल्स हमें दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल बीसीडी और देन अनदर ट्राइंगल एसीडी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल बीसीडी टेन 45 इज इक्वल टू सीडी अपॉन बीसी, बिकॉज टेन का इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 की वैल्यू है 1, CD 75, BC we have to find. So BC is equal to क्या होगा 75 मीटर, ठीक है? Now क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD क्या होगा 10 30, तो 10 30 is equal to 10 30 के लिए इक्वेशन क्या है CD upon AC। सीडी क्या है 75, एसी वी हैव टू फाइंड, तो एसी इज इक्वल टू क्या होगा 75 रूट 3, ठीक है? क्या मिला 75 रूट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड एबी, तो एबी कैसे मिलेगा, एबी यहां पे लिखेंगे एबी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स, पूरे एसी में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बीसी, तो एसी क्या है 75 रूट 3 माइनस 75, तो 75 कॉमन निकाल लेते हैं √3 -1, तो 75 √3 की वैल्यू क्या है 1.73 -1, सो इट बिकम 75 × 0.73। और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो है आपका आंसर, ठीक है? कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन का आपका आता ही है 73 upon 100, 25 3 25 4 एंड देन 73 डिवाइड बाय 4, तो आपका आपका आंसर मिल जाएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्या अप्लाई किया हमने, टेन अप्लाई किया। और जब भी दो ट्राइंगल्स की बात आती है तो हम पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, दैट इज बी सी डी, एंड देन बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ए सी डी, और टेन अप्लाई किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wing in a horizontal line at a height of 88.2 meter. चलिए यहाँ तक का फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। ऐसा भी हम इक्वेशन आगे पढ़ चुके हैं कि जहां पे गर्ल की बात थी उसकी हाइट क्या दी थी हमें, 1.5 meter। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 1.2 meter हाइट की गर्ल है, वो क्या कर रही है, एक बलून को देख रही है, वो जो वेव की स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, कितनी हाइट पे है, 88.2 मीटर हाइट पे। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, आईज ऑफ द गर्ल अगेन यहाँ पे क्या यूज हुआ कि कहां से एंगल बढ़ रहा है, गर्ल की आई के साथ, एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. पहले कितने का एंगल है, 60 degree का। That means पहले बलून नजदीक में था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले गर्ल ड्रॉ करते हैं और गर्ल की हाइट क्या है, 1.2 meter. It is ground level. पहले बलून था यहाँ पे, बलून ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद बलून यहाँ पे पहुंचा, क्यों हमें पता चला कि ये डायरेक्शन में है, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, दैट मींस बाहर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का। क्यू ने ए बी सी डी E, F, G, ठीक है, और ये हाइट क्या दी हुई थी हमें, 88.2। बट आपको पता है कि जब भी गर्ल की या बॉय की बात हो और आंखों के साथ उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता हो, तो हम ये 88.2 में से ये क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दैट मींस क्या होगा, देखिए हमें AB फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AB is equal to AF minus BF. तो 88.2 minus 1.2, that means 87 meter. What we have to find? Distance traveled by the balloon during the interval. यहां से यहां तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस फाइंड किया वो हमें फाइंड करना है, दैट मींस BD। ये तो आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि जब भी दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात आए तो हम क्या करते हैं, पूरे में से सीडी में से छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसका सबट्रैक्ट कर लेंगे। सीडी देखिए इस हिसाब से है, सी बी डी, तो हम क्या करेंगे, सीडी इज इक्वल टू सीडी में से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, सीडी, तो हमें क्या मिलेगा, बीडी। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे एंड देन छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पे नेम दे देते हैं जी, सी डी जी। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये है सी डी जी, उसमें ये कितना है, 87। क्यों 87 है, क्योंकि हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, गर्ल की आई से, तो इन ट्राइंगल सी डी जी क्या होगा, 10 30 इज इक्वल डी जी अपॉन सी डी। 10 30 की वैल्यू है 1/√3, डी जी क्या है, डी जी का डिस्टेंस कितना, डी जी का मतलब क्या है, 87, सी डी वी हैव टू फाइंड, तो सी डी इज इक्वल टू 87/√3। ये मिल गया, हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए ये। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी सी, ए
tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BC, AB इज ऑल्सो 87 बिकॉज जितना DC होगा उतना ही क्या होगा AD क्योंकि सेम हाइट पे ही है, ठीक है। तो 87 BC वी हैव टू फाइंड, तो BC यहां पे जाएगा रूट 3 नीचे आएगा तो 87 अपॉन रूट 3, ठीक है। सो BC इज इक्वल टू क्या होगा 87 अपॉन रूट 3। नाउ क्या करेंगे हम, देखिए BD वी हैव टू फाइंड, तो BD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम CD माइनस CB। CD क्या है 87 रूट 3 माइनस CB क्या है 87 अपॉन रूट 3। नाम ये रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 87 मल्टीप्लाई 3, 37 का 21, या तो फिर इसे और थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 डिवाइड बाय रूट 3, ठीक है। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो अंदर क्या बचा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। नाउ आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो क्या होगा 7 2 सा 14 कैरी 1, 8 2 सा 16 प्लस 1 17 174 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। नाउ सी 3 5 सा 15 2 इज रिमेनिंग 3 8 सा 24 तो 58 रूट 3 मीटर। और अगर इसको आगे सॉल्व करना हो तो क्या करोगे आप रूट 3 की वैल्यू रख दोगे मल्टीप्लाई 1.73, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें, एक गर्ल है वो बलून को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, देख रही है, तो उसकी आंखों के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है स्टार्टिंग में 60 डिग्री का, और वो बलून क्या कर रहा है विंड के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन क्या बना एंगल 30 डिग्री का, एंड हमें फाइंड करना है कि 60 में से 30 बना तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया CDG एंड देन छोटा वाला ट्रायंगल ABC, फिर क्या किया हमें दोनों वैल्यूज मिल गई CD और CB की, तो हमने CD में से CB को सबट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला BD, ठीक है, एंड दैट इज आवर आंसर, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एक हाईवे है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ टावर में यहाँ पे टावर पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है 30 डिग्री का। तो देखिए यहां से ये एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री, इफ इट इज 30 देन इट इज आल्सो 30 अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में सेड होता है और ये एंगल क्या होता है सेम होता है। नाउ व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, देखिए अभी तक हमें क्या देते थे कि डिस्टेंस देते थे आफ्टर 90 मीटर इट बिकम 60 डिग्री, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है,
क्या दिया है टाइम 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन जाता है 60 डिग्री का, सो इट इज आल्सो 60। यहां पे दे देते हैं डी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या बोला है, फाइंड द टाइम, फाइंड भी हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहां तक 60 डिग्री तक हुआ तो कितने सेकंड हुए, 30 डिग्री में से 60 डिग्री बना तो कितने सेकंड हुए 6 सेकंड। तो उसको टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना, जो हम चीज अप्लाई करते हैं वो ही करेंगे, बट थोड़ा इसमें चेंज हो जाएगा। इट इज एक्स, इट इज वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हमें दिया हुआ नहीं है, तो टोटल क्या होगा x प्लस वाई। नाउ सी स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से ध्यान देना। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 जितने भी क्वेश्चन किए हमने वो इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपको पता है कि जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों ट्राइंगल के लिए अप्लाई करते हैं, और क्या अप्लाई करते हैं, टेन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, tan 60 की वैल्यू है रूट 3, AB क्या है H एंड BD क्या है X, सो H इज इक्वल टू क्या होगा रूट 3X, गिव इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, H इज इक्वल टू क्या होगा रूट 3X। ना छोटा वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, अब किसकी बारी है, बड़े वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BC, H BC क्या होगा X प्लस वाई, ये X प्लस वाई सामने जाएगा अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू H। नाउ गिव इक्वेशन नंबर 2, अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि दोनों एच को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन टू 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन रूट 3, ये रूट 3 डिवीजन में से कहां जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो इट बिकम 3x रूट 3 रूट 3 क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 5। नाउ x गोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू y। देखिए यहां पे हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिली, क्या मिली 2x, तो अभी हम ये की वैल्यू का यूज करेंगे क्योंकि इसके आगे कोई सिंपलीफिकेशन होगा नहीं, तो कैसे यूज करेंगे देखिए, हमें दिया हुआ है कि C से D तक पहुंचने में, पहले कार यहाँ पे थी, यहाँ तक पहुंची, C से D तक पहुंची, that means the y distance cover करने में कितने सेकेंड लिए 6 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, y मीटर कवर करने में 6 सेकेंड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने क्या सपोज किया है x, तो x मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम, ठीक है, तो क्या होगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई 6 अपॉन ये y डिवीजन में होता है, पता है आपको ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला डिवीजन में। नाउ सी x मल्टीप्लाई 6 y की वैल्यू क्या है 2x
तो यहाँ पे रखेंगे y is equal to, यहाँ पे लिखेंगे because y is equal to 2x, x x cut 2 3 सा 6, that means 3 second. That is our answer. फिर से समझिए students, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेम चीज भी हमने अप्लाई की है, ठीक है. कहीं पे भी हमने एक जो कॉन्सेप्ट था उसके बाहर की चीज अप्लाई नहीं की है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या बात थी, टाइम फाइंड करने की. अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें डिस्टेंस होता था, इसमें क्या है, टाइम. बट हम तो अपनी चीज सेम ही रखेंगे, ठीक है. देखिए क्या था, सबसे पहले हमने लिया स्मॉलर ट्राइंगल ए बी डी एंड देन लिया बिगर ट्राइंगल ए बी सी, और हर एक में हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, टेन, ठीक है. तो हमें यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या मिला, रूट थ्री एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन. सेकेंड इक्वेशन में एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट थ्री, ये इक्वेशन नंबर टू. देन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन किया तो हमें क्या मिला, वाई की वैल्यू. तो हमें पता है कि वाई डिस्टेंस कवर करने में सी टू डी तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना था, एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने सेकेंड. तो यहाँ पे देखिए y मीटर को 6 सेकेंड, x मीटर को कितने सेकेंड, तो x मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय y. y की वैल्यू क्या है, 2x, तो y की जगह पे मैंने क्या रखा, 2x, x x कट 2 3 जा 6 दैट मींस 3 सेकेंड, ठीक है. एंड इट इज आवर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद ए आर कॉम्प्लीमेंट्री. सबसे पहले हमें ये मीनिंग पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है. देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको पता है नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो कि दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है कि दोनों का डिस्टेंस दिया है, ठीक है. टावर बेस से दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले टावर बना लिया हमने. एक डिस्टेंस है 4 मीटर ए बी सी डी एंड दूसरा डिस्टेंस है 6 मीटर. देखिए एक डिस्टेंस है 4 मीटर, सॉरी दूसरा डिस्टेंस है 9 मीटर. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये चीज हमें प्रूव करनी है कि हाइट क्या है 6 मीटर. तो अभी हम इसे h मान लेते हैं. अभी देखिए अगर कोई एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90. दैट मींस हमने क्या किया, 30 को 90 में से सबट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, 60. अगर कोई एंगल 45 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 45 दैट मींस 45. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा. क्यों 90 माइनस थीटा, अगेन आई विल टेल यू, बिकॉज वी हैव गिवन दैट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री. दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर ये थीटा होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है. तो देखिए उसके बाद तो हम जो करते हैं वही करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी देन बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी. चलिए करते हैं. तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा
AD की वैल्यू H, BC इज 4. ये इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब इसको हम ऐसे रखेंगे. नाउ क्या है इन ट्राइंगल ABD, छोटे वाले ट्राइंगल के बाद हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं. तो tan थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा. AD अपॉन BD. अब ये आपको पता है कि जब भी 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आए, यहाँ पे 90 हो तो ये वाला का फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा. AD as it is H, BD 9. ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2. क्या करेंगे, अगेन देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन. तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9. tan इंटू cot क्या हो जाता है, 1. क्यों, क्योंकि cot क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan. तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan भी लिख सकते हैं. तो tan tan cot, तो इट बिकम 1. h इंटू h, h स्क्वायर, 4 9 जा 36. Now 36 goes with multiplication. Now we have to find value of h. Take square root on both the sides. तो आपको पता है कि जब भी square root निकले तो हम क्या देते हैं, plus or minus 6. But distance या height कभी minus में होते हैं. ऐसा होगा कि height minus 6 है? नहीं. तो क्या होगा? H is equal to 6 meter. Hence, prove हो चुका. ठीक है, फिर से समझे स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ट्रूथ हेड वाला था. अभी तक के सब इक्वेशंस में हमें एंगल दिए होते थे, बट इसमें क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ नहीं है. तो जब भी एंगल ना दे और हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, तो हमें पता है कि अगर एक एंगल 30 का होगा, दूसरा 60 का, दैट मींस हमने क्या किया, 90 माइनस 30. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एंगल को थीटा सपोज किया, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, फिर हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो ही कि 1/1 दो ट्राइंगल्स लेंगे, दोनों में टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे भी वही किया, पहले स्मॉलर ट्राइंगल एबीसी, टेन थीटा इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी. देन बिगर ट्राइंगल एबीडी, उसमें भी क्या किया, टेन 90 माइनस थीटा एबी अपॉन BD. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC tan theta is equal to AB upon BC. AB की जगह पे क्या है, H, और BC क्या है, 4. इन ट्राइंगल ABD tan 90 minus theta is equal to क्या होगा, AB upon BD. AB upon BD 90 है, तो tan का क्या हो जाएगा, cot theta. H upon 9, then दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो tan into cot is equal to H upon 4 into H upon 9. H into H, H square, 4 9 is 36. Now, take square root on both the side. So, H square का क्या हो जाएगा? H, 36 का plus or minus 6. So, H is equal to 6 meter. तो इसी के साथ आपका chapter number 9 complete हुआ students. आपको क्या करना है? Textual example की भी practice करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया. खुद से करने का try करो. ठीक है? और जब भी स्कूल स्टार्ट हो तो आपको जो टेक्सचुअल एग्जांपल के रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए. तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.